एकता सिंह, एकता सिंह जी का क्वेश्चन, सर आधार कार्ड अपलोड कर दूं? हाँ, अगर आपका करेक्शन होके आ चुका है, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, एक और चीज़ है, कल एक भाई ने पूछा था कि किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन वगैरह कराने होंगे क्या अपलोड करने के लिए? तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो ज़रूर करा दीजिए, अगर नहीं उपलब्ध है तब जो है आप अपलोड कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ठीक, वैसे आज का वैसे पूरा दिन है, तो आप किसी भी इंटर कॉलेज के आपके प्रिंसिपल सर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हो गए, और IAS PCS तहसीलदार, इनमें से कोई भी अगर कर देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो तो मैंने बता ही था क्या क्या करवाना है आपको, साइन करवा लेना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उनका नंबर ले लेना, उनका नाम ले लेना, और वो किस पद पे है, डॉक्टर है, तहसीलदार है, PCS है, मतलब कौन है, ये चीज़ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी अगर ऐसा नहीं हो पाती आज भर में व्यवस्था, तो आप लोग जो है फिर ऐसे ही अपलोड करिएगा खुद से सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, चलिए आगे, प्रवीण जी का है, अब नीतीश कुमार जी का है, और ये कहीं ना कहीं लाजमी भी है कि ये पहले से भैया किसी विभाग में है, अब कह रहे हैं गुस्सा आ रहा है, 1 महीने की सैलरी खा गया और नौकरी करके भी हम बेरोजगार हैं। तो ये तो बात सही है, कुछ ज़्यादा ही लंबा थोड़ा सा खींच दिया गया है, लेकिन अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है नीतीश भैया। और ऐसे मान लीजिए कि जो है थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी और, मतलब हमारे यूपी में कहा जाता है थोड़ा सा कर रही है और कर लो, कर रही है करने मतलब थोड़ा सा इंतजार और कर लो, है ना, थोड़ा पेशेंस और कर लो, तो हो जाएगा। ठीक, आगे प्रवीण जी का है, सीटेट मार्कशीट थी, अब जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते, कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सर्टिफिकेट ही लगता है। ठीक है, सुविता तिवारी जी का, सर एड्रेस और पैन, आधार कार्ड और पैन भी सुधार करके अपलोड कर दें? बिल्कुल कर दीजिए, आराम से कर दीजिए। दोस्त के एड्रेस में, सोनी जी का क्वेश्चन, दोस्त के एड्रेस में गलत है, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका सही एड्रेस दे देना है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी एड्रेस को लेके, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जहाँ जहाँ आदमी ज़्यादा दिनों रहता है वो एड्रेस अपना आधार कार्ड का वहीं करा लेता है, तो जो अपना रेजिडेंशियल जो है आपका पत्राचार वाला वो तो बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो है अच्छे तरीके से आपको क्या, जब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आगे चल के, जब आप स्कूल करेंगे, स्कूल ज्वाइन करेंगे, तब पैन कार्ड के लिए अप्लाई के लिए पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपना सही एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक, और हमेशा फिर हर जगह वही एड्रेस दिया करना, बस काम खत्म, हो जाएगा अपडेट। ठीक, अगला देखिए भैया, अविनाश गुप्ता जी का है, एस्टेट अपीयरिंग वालों को अलाउ होगा या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर एक नंबर जेन्यून काम हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एस्टेट वालों को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो है इन्होंने पहले फॉर्म डाला है, इनकी परीक्षा करा के, इनके रिजल्ट भी देखे, कहीं ना कहीं ये लोग भी भाई एलिजिबल तो है ही, तो पास हो जाएंगे, तो ये हो सकता है, हो भी जाएगा, लगभग लगभग 99% ये होगा कि एस्टेट की परीक्षा पहले कराई जाएगी, उसके बाद जो है आपका TRE 3 आएगा, है ना, चाहे भले ही 10-5 दिन का अंतर है, अगर मार्च में होता है तो, वैसे अभी इसका कोई अंदर से खबर नहीं आई है कि मार्च में ही होगा, ठीक है, ये बस खबर अभी उड़ रही है, वो सच है या गलत है उसके ऊपर मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक नोटिस ना आए विभाग की तरफ से कि इतनी तारीख को मार्च में एग्जाम है, तब तक ना माना करिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सुनीता जी का है, स्कूल अलॉटमेंट के कितने दिन तक ज्वाइन ना करने से चलेगा? तो देखिए आपको मैं अभी, तो पहले स्कूल मिल जाने दीजिए, स्कूल मिल जाएगा और आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, एक वेबसाइट बता दूंगा, इसके साथ साथ वैसे आप कर सकते हैं, जब से आप मन हो तब से कर सकते हैं। ठीक, अगले 6 महीने के बीच अंदर में भी कर सकते हैं, तब 6 महीने में भी नहीं आते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। ओके, तो वैसे 6 महीना छोड़िए, आप जो है 10-5 दिन अगर गैप लेना चाहते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होती है, बस क्या करेंगे, एक मैं वेबसाइट बता दूंगा, जब आपका सब ज्वाइनिंग वॉइनिंग मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तब एक वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ से आप सर्च करके अपने जो भी प्रिंसिपल सर हैं या फिर HM सर हैं उनका नंबर निकाल सकते हैं, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, उनसे बोल दीजिएगा सर हम इस दिन आएंगे, हम थोड़ा यहाँ जा रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हो जाएगा। आगे देखते हैं, आभा जी का क्वेश्चन है कि भैया ग्रेजुएशन का प्रोविजनल अपलोड जो है, यही गगन जी का क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन का प्रोविजनल अपलोड किया था, ओरिजिनल करना चाहते, कर दीजिए आराम से, अगर आपके पास अब अवेलेबल है तो कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, एक कोई XYZ करके नाम नहीं लिखा था, यूजर करके कुछ लिखा हुआ था, अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर के लिए क्या करना होगा? तो इन्होंने ये पूछा है, देखिए अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर के लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अभी आपका कुछ भी नहीं होने का है ना, कुछ भी नहीं होगा लगभग लगभग 6 महीने, और 6 महीने के बाद भी हो ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 6 महीने आप जहाँ पे भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, चाहे वो स्वर्ग मान लो चाहे वो नर्क मान लो, आपको 6 महीने वहाँ पे काटने ही पड़ेंगे, और वो महीने हाल कट जाते हैं जब आप आते हैं ना, वैसे भी आप देख रहे होंगे, कल तो आप छोटे थे, कल ही आपने इंटर वगैरह किया, ऐसा लगता होगा कभी कभार कि जो है, अब पिछले साल की तो बात है, हमने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, पिछले साल की बात है 10th की परीक्षा दी थी, समय हाल निकल जाता है। ठीक, अगला देखिए, एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है जो आपके भी मन में उठता होगा, है ना,
ये कह रहे हैं TRE 2 क्वालिफाइड और TRE 3 देकर जो है सेम सब्जेक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं क्या? अगर ये कह रहे हैं TRE 2 पहले से क्वालिफाइड है और अगर हम लोग TRE 3 का, मान लो TRE 2 भी ले लेते हैं इसमें, TRE 1 भी ले लेते हैं, इससे कोई पहले से क्वालिफाइड है, मान लीजिए कोई बंदा जो है यहाँ मान लीजिए गया का रहने वाला और उसका सिलेक्शन मान लो बक्सर में हो गया है, ठीक है, वो बक्सर में जॉब कर रहा है, आपको क्या देता, क्या सोच रहा है कि TRE 3 दे दें तो हम अपने ज़िले में ही आ जाए ना, गया में ही आ जाए, तो कैसा ऐसा पॉसिबल है सेम सब्जेक्ट में? तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी थोड़े दिनों पहले एक नोटिस आया था, एक अखबार की कटिंग भी चल रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर आपने ऐसा करा तो आपको उसी स्कूल में रखा जाएगा जैसे स्कूल में अभी आप पोस्टेड हैं, ठीक, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये चालाकी नहीं चलेगी, ये सिस्टम है। तो अगर आप उसमें क्वालिफाइड हैं सेम सब्जेक्ट में, हाँ कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किया, ठीक, कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास डिग्री है, तो आप जा सकते हैं, सेम सब्जेक्ट में आप स्कूल उसको जो हटा के दूसरी वाली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया था, कल ही मैंने नोटिस में पढ़ा है, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ, चाहे वो TRE 1 का कैंडिडेट हो, चाहे TRE 2 का कैंडिडेट हो, ठीक, वो TRE 3 देके सेम सब्जेक्ट में अपने जिले में नहीं जा सकता है, ये सिस्टम है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, हाँ अगर आपको वो लगता हो ज्वाइन करने के बाद आप रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद रिजाइन देने के बाद जो है तब TRE 3 दोबारा से दीजिएगा, तब अगर आप में क्षमता है कि हाँ हम दिन निकाल सकते हैं, तो देखिए इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, समय का पता नहीं होता, ठीक, तो आप उसको जब निकाल लें तब आप अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ आप एक पद पे पहले से हैं और दूसरा पद पे दे रहे हैं बस इसको छोड़ के फिर एकदम फटाक से वो पकड़ दिया, ऐसा नहीं, मतलब ये चालाकी नहीं चलेगी, ये एक नोटिस में भी लिखा था कि UPSC जो कैंडिडेट है उनकी ये चालाकी नहीं चलेगी, ठीक। बाकी कोई भी समस्या रह गई हो, किसी का भी कोई डाउट हो, कमेंट में छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगा क्या हो सकता है क्या नहीं, और आपको नाम वाइज जैसे इसमें बताया है वैसे ही मैं सबके डाउट बता दूंगा, और आई होप आपको वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको क्लिक कीजिए, नया ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और आराम से रहिए, हर नोटिस हर अपडेट आपको उसमें मिलती रहती है, और TRE 3 के कैंडिडेट तैयार रहें, आपके लिए हम स्पेशली बहुत अच्छा करने वाले हैं, अगर नोटिस ऐसा पता चलता है कि मार्च में आएगा या कभी भी आए, वैसे भी मैं जल्दी ही चालू करूँगा, एक ज़्यादा समय मिल जाएगा तो और भी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन ये गारंटी है जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हताश नहीं होगा, जो भी मैंने बताता रहा कि आपको ये चीज़ याद करनी है, ये भी वाली चीज़ पढ़नी है, हताश आप नहीं होंगे, ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और सिलेक्शन होगा, गारंटीड होगा, ठीक, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर।